बिलासपुर में एनएच चंडीगढ़ मनाली पर वाहनों की पासिंग के नाम पर कई घंटों तक जाम लग रहा। इस दौरान यातायात को नियंत्रण के लिए कोई भी पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दिया। जब भी बिलासपुर में वाहनों की पासिंग होती है तो हर बार जाम लगना आम बात है। इस जाम के कारण आम जनता के अलावा मनाली चंडीगढ़ की ओर जाने वाले पर्यटकों को परेशानी उठानी पड़ी। इस दौरान मीडिया कर्मियों ने वाहनों की पासिंग कर रहे निरीक्षक से बात की तो उन्होंने बताया कि कुछ गैप के बाद बिलासपुर में वाहनों की पासिंग की जा रही है, जिस कारण वाहनों की भीड़ उमड़ पड़ी है। भविष्य में शीघ्र ही इस समस्या का हल निकाला जाएगा। हिमाचल पथ परिवहन निगम यानी HRTC ही सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का चूना लगा रही है। जिला कांगड़ा में निगम का 300 करोड़ रुपए के लगभग स्पेशल रोड टैक्स पेंडिंग है। हालांकि HRTC की इतनी बड़ी राशि में पेंडिंग भुगतान बारे परिवहन विभाग द्वारा समय-समय पर HRTC से कम्युनिकेट किया जाता है, उसके बावजूद पेंडिंग HRTC को जमा करवाने की ओर निगम द्वारा कोई दिलचस्पी नहीं दिखा जा रही है। HRTC के ये पेंडिंग राशि जिला कांगड़ा में स्थित HRTC के विभिन्न डिपुओं की है। सूत्रों की माने तो HRTC की ये पेंडिंग राशि वर्ष 2008 से लेकर अब तक की है। वहीं कुछ निगम डिपुओं की SRT स्टेटमेंट आना अभी बाकी है। परिवहन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार निगम के क्षेत्रीय प्रबंधकों की ओर से जो SRT स्टेटमेंट भेजी जाती है उसे परिवहन विभाग क्रॉस वेरीफाई भी करता है। RTO जिला कांगड़ा डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा से जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिला कांगड़ा में HRTC का 300 करोड़ रुपए के लगभग HRT पेंडिंग है। कुछ डिपो की HRT स्टेटमेंट आना अभी बाकी है। RM की ओर से जो SRT स्टेटमेंट आती है उसे क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। पेंडिंग SRT के संबंध में समय-समय पर HRTC से कम्युनिकेट किया जाता है कि आपका SRT देय है, उसका भुगतान करें। हेमांग मार्शल आर्ट एकेडमी सिराज द्वारा हेमांग इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन के तत्वावधान में 4 दिवसीय मार्शल आर्ट प्रशिक्षण प्राथमिक केंद्रीय विद्यालय जंजैली में आरंभ हुआ। प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ मुख्य अतिथि जंजैली पंचायत प्रधान अहल्या कुमारी ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। इस अवसर पर जंजैली पंचायत वार्ड सदस्य दयावंती तथा तुंगाधार पंचायत वार्ड सदस्य चौहान सिंह भी मौजूद रहे। हेमांत मार्शल आर्ट एकेडमी सिराज के प्रशिक्षक सेंसेई नरेंद्र कुमार संपाई, बनीता कुमारी तथा संपाई अभिदित शर्मा द्वारा हेमांत इंटरनेशनल कराटे फेडरेशन के मुख्य प्रशिक्षक एवं तकनीकी निदेशक केओशी जोगिंदर सिंह आजाद की देखरेख में किया जा रहा है। इस प्रशिक्षण शिविर में लगभग 55 प्रशिक्षु भाग ले रहे हैं। केओशी जोगिंदर सिंह आजाद ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मार्शल आर्ट प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षुओं को जूडो और कराटे की तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। हिमाचल प्रतिकार मंच के बैनर तले छोटी काशी मंडी के भूतनाथ मंदिर परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में प्रदेश में 2006 में लागू वन अधिकार कानून को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। साथ ही वन भूमि पर अवैध कब्जा कर जमीन बसर कर रहे प्रदेश के गरीब असहाय लोगों को इस अधिनियम के तहत छूट देने की भी सरकार से गुहार लगाई गई। वन अधिकार मंच ने वन भूमि पर कब्जा करने वाले भूमिहीन व गरीब लोगों के दावों की प्रक्रिया शुरू करने की भी सरकार से मांग की। कल एक घायल बंदर लकड़ बाजार की एक दुकान में घुसा और बाद में जाकर दुकान के गैलरी में बैठ गया। वहां से उसे निकालने का बेहद प्रयास किया गया लेकिन वह गैलरी से टस से मस नहीं हुआ। दुकानदार ने इसकी सूचना दमकल विभाग, पशु चिकित्सालय, वन विभाग के अधिकारियों को दी लेकिन सभी ने ये कहकर पल्ला झाड़ दिया कि उनके पास बंदर पकड़ने के लिए कोई प्रशिक्षण नहीं मिला है और न ही उनके पास कोई बेहोश करने की कोई तकनीक है। दुकानदार ने सुबह होने का इंतजार किया और उम्मीद लगाई कि
बंदर वहां से खुद चला जाएगा, लेकिन बंदर सुबह भी वहीं मौजूद था। दुकानदार ने एसडीएम सोलन रोहित राठौर को इस बारे में जानकारी दी तो उन्होंने तुरंत वन विभाग के अधिकारी को बंदर पकड़ने को आदेश दिए। तब जाकर वन विभाग हरकत में आया और एक ऐसे कर्मी को बंदर पकड़ने भेजा जो अपने दम पर किसी बिना प्रशिक्षण के बंदर पकड़ने में महारत हासिल कर चुका है। उस कर्मी ने अपनी जान दांव पर लगाकर बंदर को भारी मुशक्कत के बाद पकड़ लिया। अधिक जानकारी देते हुए वन विभाग के जांबाज कर्मचारी रमेश ने बताया कि बंदर बेहद जख्मी हालत में था और वह किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता था, इसलिए उन्होंने बंदर को बड़ी सावधानी से पकड़ा और पकड़कर बोरी में बांध लिया है। उन्होंने बताया कि अब वे इसे ले जाकर प्राथमिक उपचार देंगे और इसे ठीक कर जंगल में छोड़ देंगे। आपदा से निपटने की विभाग बड़ी बड़ी बात करते हैं, लेकिन सोलन में किसी भी विभाग के पास बंदर पकड़ने तक के साधन मौजूद नहीं है। सूत्रों की माने तो जंगली जानवर जब शहरी इलाकों में ऐसे परेशानी का सबब बनते हैं तो उन्हें ट्रंक क्लोजर देकर बेहोश कर दिया जाता है, उसके बाद उसका रेस्क्यू किया जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये है कि ये सुविधा केवल शिमला में उपलब्ध है। शहरवासियों की मांग है कि ऐसी सुविधा हर जिला में होनी चाहिए।